हमारा अपना दल है, अपना गठबंधन है, हम अपने प्रत्याशी के लिए पूर्णिया जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि बीमा भारती जी भारी मतों से जीते। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति में पहलवान मैदान में कूद गए हैं। राजनीतिक दल भी पूरे जोर शोर के साथ उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन बिहार की 40 लोकसभा सीटों में अभी सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है पूर्णिया की, क्योंकि एक तरफ महागठबंधन के खेमे से राजद के सिंबल पर बीमा भारती मैदान में है और वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव भी कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। उन्होंने भी नामांकन का ऐलान कर दिया है, कल वो नामांकन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आज बुधवार को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में जो माहौल है वो पूरी तरह से बन चुका है, क्योंकि बीमा भारती आज नामांकन करने जा रही हैं और इसके लिए वहां जनसभा की तैयारी की गई है। देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूर्णिया के रंगभूमि मैदान की है। बीमा भारती आपको नजर आएंगी, मंच पर कई नेता महागठबंधन के बैठे दिखाई देंगे और इस आयोजन में शामिल होने के लिए तेजस्वी यादव भी पहुंच रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जब आज पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे, उनसे सवाल किया गया पूर्णिया को लेकर, मोदी जी के जमुई रैली को लेकर, तो उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया है वो पहले आप सुनिए। तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो चुनाव प्रचार में आ रहे हैं, और चुनाव प्रचार में आ रहे हैं तो लगातार परिवारवाद के बारे में वो बोलते रहे, और पहली चुनावी जनसभा का शुरुआती वो परिवारवाद के उम्मीदवार से कर रहे हैं जो कि उनके उम्मीदवार हैं। तो आप देख सकते हैं उनके कथनी और करनी में कितना भारी अंतर है, और इस बार लगातार जो है एनडीए खेमे से, जिसका जिक्र करते थे कि परिवारवाद बहुत बुरा है, सबसे ज़्यादा टिकट दिए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी हैं या और कोई नेता है, चुनाव में तो सब लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन उनको आके ये बताना पड़ेगा ना कि बिहार के लिए उन्होंने क्या किया। कुछ किया तो नहीं, बिहार को चुना लगाया उन्होंने और इतना 39 सांसद भेजा जिता करके, 39 सांसदों ने अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में क्या किया इस पर बताएं सारे सांसद, तो बिहार की जनता तो जवाब मांगे। कई नेता जो है बीजेपी का दामन छोड़ रहे हैं सर, कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं बीजेपी के कई। देखिए, अब ये सब तो चलता ही रहेगा, उसमें कोई ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है, जिस हिसाब से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया, बीजेपी में जितने नेता गए उन सब का ईडी ने सीबीआई ने केस क्लोज कर दिया, और दिल्ली के एक बड़े अखबार में भी बड़ा आर्टिकल भी आया है। तो हम लोग तो सब लोग देख रहे हैं कि जो भाजपा में जाता है उस पर जो है मुकदमे बंद हो जाते हैं, केसेस बंद हो जाते हैं। जाने से पहले 70,000 करोड़ का घोटाला किया हो या कोई हो, उसको मंत्री बना दिया जाता है और केसेस बाद में बंद कर दिए जाते हैं। नामांकन में जा रहे हैं, पप्पू यादव कल नामांकन करेंगे, कैसे देख रहे हैं? अभी हमारा अपना दल है, अपना गठबंधन है, हम अपने प्रत्याशी के लिए पूर्णिया जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि बीमा भारती जी भारी मतों से जीते। तो अभी आपने सुना तेजस्वी यादव को किस तरीके से उन्होंने सबसे पहले जो लगातार एनडीए खेमे के तरफ से परिवारवाद का आरोप उन पर लगाया जाता है उस पर सीधे सीधे जवाब दिया और कहा कि पीएम मोदी जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें कितना बड़ा अंतर है, ये आप समझ सकते हैं कि बिहार में जो अपनी रैली की वो शुरुआत, चुनावी कैंपेन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस सीट से करने जा रहे हैं वो खुद परिवारवादी हैं, यानी कि चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती की सीट जमुई के बारे में वो कह रहे थे। इसके अलावा जिस तरीके से बीजेपी नेता पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में जा रहे हैं उसको लेकर भी उन्होंने बात कही, ईडी सीबीआई को लेकर भी उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन जब सवाल पूर्णिया पर आया, जब सवाल पप्पू यादव पर आया, उन्होंने साफ कह दिया कि देखिए हमारा अपना दल है, हमारे अपने प्रत्याशी है और हम उनके बारे में जानते हैं और उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे, यानी कि बीमा भारती
को लेकर उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि आज नामांकन उनका होना है, वहीं शामिल होने के लिए वो पूर्णिया जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि भारी अंतर से बीमा भारती की जीत होगी। तो अब तेजस्वी यादव ने दावा तो कर दिया है कि पूर्णिया में उनकी उम्मीदवार जीतेंगी, लेकिन अगर पप्पू यादव ने कदम पीछे नहीं खींचे, जैसा कि वो ऐलान कर रहे हैं कि कल 4 अप्रैल को वो भी नामांकन करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में पूर्णिया में त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिलेगी। और कहा जा रहा है कि पप्पू यादव का असर इतना भी कम नहीं है कि प्रभाव ना पड़े और बीमा भारती को नुकसान ना हो। ये तो 4 जून को रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव पूरे दमखम के साथ पूर्णिया में बीमा भारती के लिए कैंपेनिंग शुरू कर रहे हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।